नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं परमानेंट इंक को, और मेरे पास 6 परमानेंट इंक है जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो सबसे पहला कंपेरिजन कर लेते हैं इंक बोटल डिजाइन का। पहले नंबर पर मैंने रखा है कृष्णा इंक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने से अगर देखेंगे तो स्क्वायर फेस आपको मिलने वाला है, नीचे से देखेंगे तो ट्राइंगुलर फेस के साथ ये इंक बोटल एक अच्छे से सुंदर से कांच में आपको मिलती है। इंक का स्टोरेज भी आपको क्लियरली दिखाई पड़ता है। जो इंक बोटल की कैप है वो भी काफ़ी स्मूथ आपको दिखाई पड़ती है। तो इसको मैंने रखा है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर रखा है मैंने कोलर वर्स को। सामने से फ्लैट है, पीछे से राउंडेस है, ओवल के आकार में ये नंबर दो पर मैं रखने वाला हूँ। नंबर तीन पर रखा है मैंने सुलेखा को। सुलेखा की बोतल सिंपल से कंटेनर में आपको मिलती है, सिलिंड्रिकल शेप में, लेकिन दिखने में काफ़ी क्यूट, और इसका जो रेशियो है वो हाइट का और विड्थ का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। चौथे नंबर पर मैंने रखा है मोंटे वर्डे को। देखने में ये भी क्यूट सी बोतल है, छोटी सी बोतल है और सिंपल सी बोतल है स्क्वायर फेसिस के साथ, तो ये भी एक अच्छी सी बोतल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और पांचवे नंबर पे और लास्ट नंबर पे मैंने रखा है नूडलर्स इंक को। विंटेज लुक में आपको इंक की बोतल मिलती है, उतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस इसके कांच में आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप विंटेज लुक के हिसाब से देखें तो आपको ये इंक की बोतल भी पसंद आ सकती है। नेक्स्ट कंपैरिजन है हमारा प्राइस कंपैरिजन। इसके अंदर सबसे पहले और सबसे सस्ती जो इंक मिलने वाली है कृष्णा इंक की मॉनसून सीरीज, जो कि आपको 15 रुपये पर मिलीलीटर के हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद आता है नंबर दो पे सुलेखा इंक, जो कि 17 रुपये पर मिलीलीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर कृष्णा इंक की फोर एवर सीरीज है, जो कि 21 रुपये पर मिलीलीटर आपको मिल जाएगी। चौथे नंबर पर आती है नूडलस परमानेंट इंक, जो कि आपको 23 रुपये 70 पैसे पर मिलीलीटर के हिसाब से मिल जाती है। मोंटेवर्दे परमानेंट इंक आपको छूट में मिल जाएगी और 29 से लेकर के 43 रुपये पर मिलीलीटर के हिसाब से वो आपको वेरी कर सकता है छूट के हिसाब से। कोलर वर्स की सबसे महंगी पड़ती है, जो कि 50 रुपये पर ml के हिसाब से मिलती है। अगला कंपैरिजन हम करने वाले हैं कलर का, जिसके अंदर ब्लैकनेस देखेंगे और कितनी ब्राइट इंक है ये भी देखने वाले हैं। पहले नंबर पर आती है नूडलर सिंह, जो काफी ब्लैक आपको नजर आएगी और काफी ब्राइट भी नजर आती है। दूसरे नंबर पर कलर वर्स है, ये भी काफी ब्लैक आपको नजर आने वाली है। और तीसरे नंबर पे मैं रखने वाला हूँ कृष्णा इंक को। कृष्णा इंक को मैंने तीसरे नंबर पे क्यों रखा है, उसका रीज़न आपको वाटर डिप टेस्ट में मिल जाएगा। चौथे नंबर पे मैं रखने वाला हूँ मोंटे वर्डे इंक को। इसका लुक थोड़ा सा आपको फेडेड दिखने वाला है और चारकोल टाइप की ये इंक आपको मिलने वाली है। पाँचवें नंबर पर कृष्णा मॉनसून सीरीज है, ये भी उसी तरह की आपको इंक नज़र आ रही होगी। यहाँ पर कलर कंपेरिजन आप कर सकते हैं। छठे नंबर पर मैं रखने वाला हूँ सुलेखा इंक को। सुलेखा इंक ब्लू कलर में है तो कलर कंपेरिजन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको छठा नंबर दे दिया है। दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट कर लेते हैं, वो है वाटर डिप टेस्ट। और जो हमने लिखा है उसको वाटर के अंदर हम डिप करते हैं, पेपर पे लिख लिया हमने और लिखने के बाद डिप करते हैं। डिप करने के बाद जो निकल के आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1, 2, 3 पर नूडलर सिंह, मोंटेवर्डे इंक और कोलर वर्स इंक में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, कोई इंक स्प्रेड नहीं हुई है। और उसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पर सुलेखा इंक, सुलेखा इंक में भी बिल्कुल हल्का सा ब्लूइश आप मुझे दिख रहा है, आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, हल्का सा बिल्कुल एक डिफरेंस आया है। जबकि तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा कृष्णा मॉनसून सीरीज को, क्योंकि इसमें हल्का सा ज़रूर स्प्रेड इंक हुई है। और लास्ट नंबर पर रखूँगा मैं कृष्णा फोर एवर सीरीज का, काफ़ी चारों तरफ इसमें रेड रेड आप देख सकते हैं, हो सकता है कैमरे में ना दिखाई पड़े क्योंकि ज़्यादा डिस्पर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेडिश कलर आपको चारों तरफ कृष्णा के दिख जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट नंबर पर रखा है। दोस्तों नेक्स्ट कंपैरिजन है मेरा हाइलाइटर टेस्ट। हाइलाइटर को मैंने 2 बार चलाया है क्योंकि 1 बार में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा था। तो पहले नंबर पर निकल के आती है मोंटेवर्डे इंक, दूसरे नंबर पर कृष्णा फोर एवर सीरीज, तीसरे नंबर पर सुलेखा इंक, चौथे नंबर पर कृष्णा मॉनसून सीरीज, पाँचवें नंबर पर कोलर वर्स इंक और छठे नंबर पर नूडलर्स इंक यहाँ पर पे क्लियरली निकल के आती है। तो देखिए किस तरह से चार्ट ऊपर नीचे यहाँ पर हो चुका है। टेस्ट है हमारा कितना टाइम इसको सूखने में लगता है। तो पहले नंबर पर है इसमें मोंटेवर्डे, दूसरे नंबर पर है कोलर वर्स, तीसरे नंबर पर है कृष्णा फोर एवर सीरीज, चौथे नंबर पर मैं रखने वाला हूँ कृष्णा मॉनसून सीरीज को, पांचवें नंबर पर सुलेखा और छठे नंबर पर इसमें नूडलर सिंह को मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मोंटेवर्डे को काफ़ी कम टाइम लगता है सूखने में, कोलर वर्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है इस मामले में। दोस्तों परमानेंट केवल और केवल कागज़ के लिए परमानेंट होनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ के लिए भी परमानेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने एक टेस्ट किया है मेलेमाइन टेस्ट, और मेलेमाइन टेस्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुलेखा इंक और कृष्णा फोर एवर सीरीज यहाँ पे परमानेंट हो रही हैं। इसका मतलब ये मैं सबसे बॉटम कैटेगरी में रखूँगा। जो सबसे अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है वो नूडलर सिंक ने है, दूसरे नंबर पे जो परफॉर्म किया है वो कृष्णा एम सीरीज ने, तीसरे नंबर पे कोलर वर्स और चौथे नंबर पे मोंटेवर्डे ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो बॉटम में सुलेखा और कृष्णा
फोर एवर सीरीज यहाँ पे रही हैं। तो दोस्तों इतना कंपेरिजन करने के बाद मैंने सारी इंक्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया है, एक है इंडियन इंक और दूसरी है बाहर की इंक, इम्पोर्टेड इंक। तो इंडियन इंक्स का फायदा ये है, उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि काफ़ी सस्ती मिलने वाली हैं और लोकली आपको मिल जाएंगी, जबकि उनका निगेटिव पॉइंट ये है कि वाटर डिप्टेस में थोड़ा सा वाटर स्प्रेड देखने को मिला है और प्लास्टिक के ऊपर परमानेंट मार्क भी आपको देखने को मिल जाता है। तो पेन के हिसाब से अगर पेन के ऊपर लग जाए और सूख जाए तो उसके ऊपर परमानेंट मार्क छोड़ सकती है। दूसरी तरफ है इम्पोर्टेड इंक, जिनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सिल्यूज के साथ परमानेंट बोन बनाती हैं और वाटर डिप करने के बाद भी इनकी इंक स्प्रेड नहीं होती है। दूसरा ये है कि अगर प्लास्टिक के ऊपर गिर जाए आपके पेन के ऊपर निशान नहीं आने वाला है, वाटर से क्लीन करेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की तो ये काफी महंगी इंक आपको मिलने वाली है। मेरे हिसाब से नूडलर इंक बीच में कहीं मिलती है और बेस्ट अगर आप परचेज करना चाहें तो नूडलर इंक के साथ आप जा सकते हैं। थोड़ी महंगी जरूर मिलने वाली है, लेकिन अगर आप कभी कभी परमानेंट इंक का यूज करते हैं तो इस इंक को आप लेकर के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।